हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बाजार की सबसे महंगी मिठाई काजू कतली की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे कि हम घर पर आसानी से सस्ते में कम टाइम और कम मेहनत में बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे हम मात्र एक कप काजू से ट्राई करेंगे और देखिए आप एक कप काजू से कितनी सारी एक साथ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। काजू कतली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप काजू लिए हैं। अक्सर काजू हमें अच्छी क्वालिटी के लेते हैं, फिर भी उसमें काला काला छिलका कभी कभी चिपका रहता है, तो उसे हम चाकू की हेल्प से हटा देंगे। सारे काजुओं को एक एक करके चेक कर लेंगे और फिर इसे मिक्सर के छोटे वाले ग्राइंडर में डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सर को चलाएं, बंद करें, ऐसा 2-3 बार करने से छोटे वाले ग्राइंडर में काजू अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। काजू का फाइन पाउडर तैयार है, तो हम एक कप काजू के लिए आधा कप चीनी लेंगे। अब काजू कतली बेलने के लिए हम थाली को पलटकर उसे घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे, या फिर बटर पेपर या फिर नॉर्मल प्लास्टिक पर घी लगाकर उसे ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बच्चों के जो कवर चढ़ाते हैं उसका रोल में से थोड़ा सा प्लास्टिक शीट काट कर ली है। अब हम गैस ऑन करके उसके ऊपर एक पैन रखेंगे और उसमें जिस कटोरी से नापकर हमने काजू लिए हैं उसका आधा हम चीनी डालेंगे और चीनी का आधे से थोड़ा ज़्यादा मतलब कि 3/4 भाग हम इसमें पानी डाल देंगे। गैस की मीडियम फ्लेम पर हम इस चीनी को पिघला लेंगे। परफेक्ट काजू कतली के लिए आप मेज़रमेंट ध्यान में रखिए, 2 कप काजू, 1 कप चीनी और 3/4 कप पानी। और जैसे ही चीनी मेल्ट होती है उसके बाद बिल्कुल 5 मिनट पकाइए और इसे चेक कर लीजिए। देखिए एक तार की चाशनी तैयार है, तो इसमें अब हम काजू डाल देंगे जो कि हमने ग्राइंड करके रखे हैं, और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। काजू के पाउडर को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे चेक करेंगे, थोड़ा सा हाथ में लेंगे और इसे घुमाएंगे। यदि मिक्सचर की गोली बन जाती है मीन्स की परफेक्ट है चाशनी। अब हम इसे गैस पर से उतार कर चलाते हुए ठंडा करेंगे। जैसे जैसे मिक्सचर थोड़ा ठंडा होता है वो थिक होने लग जाता है, हमें इसे चलाते हुए ही स्मूथ करना है। काजू कतली में बस यही वाला काम थोड़ा सा पेशेंस वाला होता है, और जैसे ही चलाने में थोड़ा सा ज़्यादा थिक लगने लगे तो उस टाइम पर हम इसे हाथ से स्मूथ करेंगे। 5 से 10 मिनट में यदि आपका मिश्रण ऐसा नहीं होता है तो आप उसे फिर से कढ़ाई में डालकर 1 से 2 मिनट पकाएं और फिर उसे ठंडा करके इस कंडीशन में ले आएं, या फिर उसमें थोड़ा सा काजू का पाउडर मिला के इस कंडीशन में ले आएं। और बाई चांस बेलने से पहले जमने लगता है तो आप वापस कढ़ाई में डालकर 1 से 2 चम्मच पानी डालकर धीमी आँच पर पका लें और फिर इस कंडीशन में ठंडा करके ले आएं। इस तरह हाथों से जब स्मूथ करके हम उसे काजू कतली को बेलते हैं तो काजू कतली बिल्कुल मार्केट जैसी परफेक्ट बनती है। अब हम इसे ग्रीस की हुई शीट पर डालकर उसे हाथों से फ्लैट कर लेंगे और इसे चौकोर शेप देकर हल्के हाथों से बेल लेंगे। जैसी पतली या थिक आपको काजू कतली चाहिए वैसी इसे बेल लेंगे। थाली को घुमाते हुए इसे सारी साइड से एक जैसा बेल लेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद जब हम कंसिस्टेंसी को जज कर पाते हैं तो फिर हर बार ही हमारी काजू कतली एकदम परफेक्ट बनती है। मैंने यहाँ पर इसे मार्केट में जितनी पतली मिलती है उतनी पतली ही इसे बेला है। काजू कतली को मार्केट वाली काजू कतली के जैसा लुक देने के लिए इसके ऊपर हम चांदी का वर्क लगा देंगे। जहाँ पर वर्क अच्छे से नहीं चिपका है उसे कॉटन से प्रेस कर देंगे, क्योंकि कॉटन पर यह वर्क नहीं चिपकता है। अब हम इसे 2 से 2.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद अच्छे से सेट हो गई है तो इसे डायमंड शेप में काटने के लिए हम स्केल से निशान लगाते जाएंगे और फिर नाइफ से कट करते जाएंगे और 1.5 इंच की चौड़ाई के पीसेस कट कर लेंगे। इस तरह कट के निशान लगा देने से सारी काजू कतली सेम साइज़ की कटेगी। देखिए साइड का कटा हुआ भाग मैं आपको दिखाती हूँ कितना परफेक्ट दिख रहा है। बर्फ़ी काटते टाइम हमारा चाकू क्लीन है, इसे देखकर आप यकीन से कह सकते हैं कि हमारी बर्फ़ी परफेक्ट बनी है। और एक पीस को तोड़कर मैं इसका आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए कितनी स्मूथ है, इसकी एजेस भी कितनी स्मूथ है। जब आप इसे बनाकर किसी को भी खिलाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि इसे आपने घर पर बनाया है। काजू कतली के सारे पीसेस कट गए हैं और ये परफेक्ट बनी है, इसलिए किसी भी पीस को निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक काजू कतली, इसके कॉर्नर कितने स्मूथ है, कितनी चिकनी दिखाई दे रही है। बाजार से अच्छी और सुपर टेस्टी काजू कतली बनी है और बनाने में तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। इसे बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल प्योर आता है, क्योंकि बाजार की काजू कतली में या तो फिर मावा मिलाते हैं या फिर मिल्क पाउडर मिलाते हैं, तो उसका टेस्ट बिल्कुल प्योर नहीं आता है। आइए इसे हम सर्व कर लेते हैं। देखिए 1 कप काजू से कितनी ढेर सारी काजू कतली बनकर मिनटों में तैयार है। एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, 100% परफेक्ट बनेगी।
वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर से कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।